हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग नहीं बोला क्योंकि शाम के 4:30 होने वाले हैं। एग्जैक्ट नहीं, हाँ 4:10 हो रहा है। हाँ 4:10 हो रहा है, हाँ 4:30 ही होने वाले हैं। और ये देखो, मेरा भाई तैयार है, मैं तैयार हूँ और हम जा रहे हैं इको पार्क। आज मेरा था स्टैंड बाई लेकिन मैं पुल आउट नहीं हुई, 5:30 से 10:30 बजे था। और घर वर साफ सफाई कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं इको पार्क क्योंकि हम नए गए हैं। और पीछे से बाथरूम दिख रहा है, तो हाँ कैब आने वाला है तो मैं आपको जाके मिलती हूँ वहाँ। तो गाइस, आपने मेरा नए घर वाला ब्लॉग देखा? और तू ले जा सामने, सामने आओ। गाइस, आपने मेरा नए घर वाला ब्लॉग देखा और देखा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ। और हम कैब का वेट कर रहे हैं। इतने गंदे होते ना यहाँ के कैब वाले, यहाँ पे तब से 6 मिनट दिखाया जब मैंने बुक किया, अभी 10 मिनट दिखा रहा है और अभी वो उधर और दूर की ओर जा रहा है। पता नहीं, इसने ना पक्का अपना राइड कंप्लीट नहीं किया होगा और मेरा राइड। तो फाइनली कैब आ गई एंड कोलकाता में कैब का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। और फिर हम गए इको पार्क घूमने। इको पार्क गए और बाहर में ठेला लगा हुआ था, तो ये 60 रुपये का इतना थोड़ा सा चना चाट बना के दिया, वो खाएं। और बाहर से 30 रुपये का टिकट लिए एंट्रेंस का। बोल, मजा आ रहा है, बोल जल्दी बोल। हाँ, तो हम निकल तो गए थे शाम में घूमने के लिए इको पार्क, एंट्रेंस भी कर लिए, 30 रुपये का एंट्री फी था। और उसके अंदर और भी एक एंट्रेंस है जहाँ वो ताजमहल वगैरह, लाइक 7 वंडर्स अंदर में बना हुआ है। तो मेन प्लान था हमारा वहीं जाने का, बट मोबाइल पे तो दिखा रहा था 7 बजे बंद होता है, वहाँ जाके पता लगा 5:30 में ही बंद होना स्टार्ट हो जाता है, सबको मतलब बाहर निकालने लगते हैं और 6 बजे फाइनली ताला लग जाता है। तो खैर बंद हो गया था। फिर यहाँ थोड़ा अंदर गए हम, तो वहाँ पे देखा हमने जापानीज फॉरेस्ट करके जगह था, उसके अंदर गए तो ये हमें मिला छोटा सा जगह। ये बहुत ही क्यूट और सोबर और बहुत ही सुंदर लग रहा था, जहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज दिया। फिर अंदर में जापानीज टेम्पल भी था वहाँ भी, एंड आई स्वेयर गाइस थोड़ा शाम भी हो गया तो इतना ज्यादा डर लग रहा था ना। नीचे तेरा तो बाल रोल है ना, तेरा तो पिरामिड बना हुआ है, तुम अगर गिर गया तो सब तेरा अंदर घुस जाएगा। टिंग टिंग क्यों बना है क्या अटना। हम आ गए हैं भूतिया जगह में, इसका क्या नाम है, जापानीज मंदिर है ना। को क्या है ये, मैं सेंट जान के छोड़ा। हां अजीब सा ही है। मम्मी अंदर तो लड़के हैं, हम नहीं जा रहे हैं नीचे। नहीं चलना, अरे कोई नहीं। एंड फिर जापानीज फॉरेस्ट से निकल के ये जो 7 वंडर्स का ऊपर में ये था, केवल वही चमक रहा था, तो उसके साथ हमने फोटोज लिया थोड़ा सा, उसके बाद आइसक्रीम खाए और निकल गए वापस घर के लिए। हाय, हम आ गए वापस इको पार्क घूम के। अनिशु तुमको कैसा लगा? पानी पी लो पहले। कैसा लगा अनिशु बताओ? मजा आया। वैसे हम भी तो पहली बार ही गए थे, मजा आ गया एकदम, लेकिन इतना चले है ना, पैर रो रहा है मेरा, जो जो से चीक चीक के रो रहा है इसका। ये तो ज्यादा थका है बेचारा, घर में जो चलता फिरता है नहीं वो नहीं थकेगा। तुमने ऐसे रोज दौड़ लगाई तो हम एयरपोर्ट पे कितना चलते, एयरपोर्ट देखा कितना बड़ा होता है। हाँ होता तो है। तो अभी जा रहे जल्दी से फ्रेश होके खाना बनाने। पनीर है, क्या है, पनीर है, पनीर का भुंजिया बनाएंगे और क्या बनाएंगे, रोटी, और अगर पनीर खराब हो गया होगा देखते हैं तो अंडा का भुंजिया। भाई ये सारी छिपकलियाँ मेरे नसीब में ही क्यों लिखी हुई है, देखना वहाँ से जाग जाग के देख रही है। अभी अभी मैंने भगाया, मेरे भाई ने इसके ऊपर, ये पाइप के ऊपर गई और वहाँ ऊपर अंदर में छिपी हुई है, जाग जाग के देख रही है। यार अभी तो मेरा भाई है तो भगा दे रहा है, मैं अकेले कैसे करूँगी। मेरी ये छिपकलियों के साथ क्यों मेरी ज़िंदगी में आती है ये छिपकली। अभी मैं खाना बना रही थी ना तो मैंने देखा, ऐसे मौत ही पर गई मेरे को देख के। मैं 20 बार तब से झांक रही हूँ, नहीं देखा, बट अब छोड़ो, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो हाँ मैं आपको खाना दिखाती हूँ अपना। ये देखो मेरा आलू भिंडी का भुंजिया हो गया तैयार, और मुझे रोटी बनाना चाहिए था बट मैंने चावल बना दिया कि कल फिर से टुडे पैटर्न है, लेओवर है, तो आज भरपेट खा लेते अच्छे से। और ये भी एक बात है कि पनीर था वो बनाने वाली थी, बट यहाँ फ्रिज नहीं है ना, तो रात में पनीर आधा बनाया था मैंने, आधा रख दिया था। अभी पनीर अजय भी उल्टी उल्टी आया था मुझे देख के, लिक्विड जैसा हो गया है पूरा।
तो हाँ घी मंगाया अभी मैंने, इंस्टा मार्ट यहाँ काम करता है तो इंस्टा मार्ट से घी मंगाया, मेरा भाई गया लाने, और घी डाल के चावल और भुजिया खाएंगे। ये देखो हमारा देसी रेसिपी तैयार, भुंजिया। निशु खा के बताओ कैसा है। और वो तो हमें आज नीचे बैठ के खाने का मन हुआ, बट मैं उस साइड नहीं बैठी क्योंकि वहाँ है चक्करी, डर लग रहा है। और खाना खाते हैं, ये यम्मी।